हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रेयॉन कलर्स के साथ डक बनाएंगे। सबसे पहले शीट को 1/3 करके ओवल बनाना है। जहाँ पे ओवल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ऊपर सर्कल, सर्कल के साइड वाली लाइन ओवल के ऊपर टच करनी है और सेंटर से लाइन लेके ओवल के नीचे बिल्कुल राउंड शेप में देखो। एक्स्ट्रा लाइंस को रब करेंगे। पेंसिल बिल्कुल सॉफ्ट चलानी है ताकि इरेज करने के बाद शीट के ऊपर पेंसिल के निशान ना रहें। इसके साथ अब छोटी डक बनाएंगे, छोटा ओवल, सेम साइड पे लाइन लगा के ऊपर सर्कल। बुशेस बनाएंगे राउंड में पेंसिल चला के। अब स्केच के साथ ड्राइंग की आउटलाइनिंग करेंगे। आउटलाइनिंग के बाद एक्स्ट्रा पेंसिल इरेज करेंगे। देन स्टार्ट कलरिंग। जब कलरिंग करनी है तो कलर की मिक्सिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो हम लाइंस लगा रहे हैं वो डोमिनेट कर रही हैं, वो अलग से दिख रही हैं। आपस में सारा मिक्स होना चाहिए। और जो ड्राइंग की है उसके अंदर कलरिंग ना जाए, ध्यान रखना है, हाथ को कंट्रोल में रखना है। जैसे कि सन के साइडों से अब मैं कर रहा हूँ तो आराम से करना है उसको। इसको मैं नीचे से थोड़ा लाइट रख रहा हूँ ताकि जो नेक्स्ट कलर करेंगे यहाँ पे वो इसमें मिक्स हो सके। अब डार्क ब्लू स्काई में मिक्स करेंगे। जहाँ पे अब मिक्स करना है इस कलर को भी थोड़ा सॉफ्ट चलाना है, ज़्यादा डार्क नहीं रखना। वहाँ से पहले हमने स्काई ब्लू को लाइट रखा था, अब डार्क ब्लू को लाइट रखेंगे वहाँ से। Thank you.
कलर को बचा के चलाना ताकि लाइन के अंदर ना जाए। कोई भी कलर हार्ड लाइन ना बनाए, जैसे कि अभी स्काई ब्लू में ब्लू मिक्स कर दिया तो उसका पता नहीं चल रहा कहाँ पे मिक्स हो रहा है वो। बुशेस को हम ऊपर से लाइट रखेंगे येलो के साथ। लाइट एंड डार्क का इफेक्ट आपकी पेंटिंग को ज्यादा अच्छा बनाता है। ऊपर से लाइट है, फिर हमने लाइट ग्रीन लगाया, पहले येलो लगाया, फिर लाइट ग्रीन, अब डार्क ग्रीन। इसकी मिक्सिंग करनी है हमने। सन में ऊपर से येलो लगा के फिर नीचे से ऑरेंज के साथ मिक्स करेंगे। सीखने वाला काम सिर्फ मिक्सिंग है कि कैसे कलर को पहले लाइट करना है नीचे से जहाँ से मिक्स करना है, बाद में कैसे जब डार्क कलर लगाएंगे तो उसको लाइट करके लाइट वाले कलर में मिक्स करना है। सेम अब यहाँ डक में करेंगे, पहले डार्क कलर लगाया ऑरेंज, फिर इसके बाद येलो लगाएंगे और मिक्सिंग करनी है दोनों कलर्स की। शीट के ऊपर अच्छी ड्राइंग बनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप शीट को साफ रखें। चाहे आप जितनी मर्ज़ी अच्छी ड्राइंग कर लो, अगर आपकी शीट गंदी है तो वो अच्छी नहीं लगेगी।
इसलिए जब भी आपने ऊपर काम करना है शीट के, अगर आपका हाथ नीचे टच हो रहा है तो हाथ के नीचे कोई पेपर रख लो। उससे क्या होगा कि आपके हाथ का इम्प्रेशन शीट के ऊपर नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। मस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।